नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न कविता। आज हम रोलर ब्लाइंड्स के ऊपर बात करने वाले हैं। रोलर ब्लाइंड्स का पर्पस क्या है, उसके कौन कौन से टाइप्स है, डिटेल इंस्टॉलेशन भी देखेंगे। एक रोलर ब्लाइंड इंस्टॉलेशन में प्रैक्टिकल वीडियो है। ये विंडो के ऊपर ही रोलर ब्लाइंड बैठाने का प्रोसेस शुरू है। सबसे पहले इसमें ये ड्रिलिंग करके क्लैंप्स के लिए होल बना रहे हैं, इधर आप देख सकते हैं। अरे, विंडो का दो पार्ट में है, जैसे ये साइड में और ये साइड में, दोनों पार्ट में ये रोलर ब्लाइंड्स बैठा रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये क्लैंप है, ये क्लैंप है, और ये चेन ड्राइव ब्रैकेट है, और ये दूसरा ब्रैकेट सारा सिंपल ब्रैकेट है। इसमें आप देख सकते हैं ये चेन ड्राइव ब्रैकेट बैठा रहे हैं, इसमें ये चेन है, और इसमें दूसरे साइड में सिंपल ब्रैकेट बैठा रहे हैं। इस चेन के थ्रू इस रोलर ब्लाइंड को अप एंड डाउन कर सकते हैं। और ये जो दोनों ब्रैकेट बैठाने के बाद में एक क्लैंप के ऊपर ये उधर फिक्स कर रहे हैं, इधर आप देख सकते हैं, इधर एक क्लैंप्स के ऊपर ये फिक्स कर रहे हैं। ये क्लैंप के ऊपर फिक्स करने के बाद में ये जो चेन है, ये चेन से उसको रोलर ब्लाइंड्स को अप एंड डाउन कर सकते हैं। और ये बैठाने के बाद, रोलर ब्लाइंड बैठाने के बाद में वो क्लैंप्स के ऊपर में स्क्रू लगा के उसको टाइट किया जाता है। जैसे विंडो का ये पार्ट हो गया, वैसे सेम ये सेम प्रोसेस दूसरे पार्ट में भी करते हैं। इधर पूरा ये ड्रिल करके ब्रैकेट के लिए ड्रिल कर रहे हैं, इसमें ब्रैकेट बैठाते हैं, और फिर ये दोनों ब्रैकेट में एक साइड में वो चेन ड्राइव ब्रैकेट, दूसरे साइड में वो प्लेन ब्रैकेट रोलर ब्लाइंड में बैठा करके ये दोनों वो क्लैंप्स के ऊपर बैठा देते हैं। ये रोलर ब्लाइंड जैसे विंडो पे बैठाते हैं, इसे डोर के ऊपर भी बैठा सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं डोर के ऊपर भी ड्रिल करके उसमें क्लैंप्स के लिए जगह बना रहे हैं, इसमें क्लैंप्स फिक्स करते हैं। ये डोर के ऊपर दूसरे साइड का भी ड्रिलिंग करके क्लैंप के लिए जगह बनाए, उधर क्लैंप फिक्स कर रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं अभी ये रोलर ब्लाइंड फिक्स कर रहे हैं। इसमें रोलर ब्लाइंड्स में इसमें कलर में दिख रहा है, रोलर ब्लाइंड्स अलग अलग कलर में भी आता है या व्हाइट कलर में भी आता है, ये देख सकते हैं आप। ये कलर वाला रोलर ब्लाइंड है जो दरवाजा, इधर देखिए आप, ये दरवाजे के ऊपर बैठा रहे हैं रोलर ब्लाइंड। इस सेम प्रोसीजर है, वो क्लैंप ड्रिल करके वो क्लैंप फिक्स कर देते हैं, उसके बाद में वो रोलर ब्लाइंड्स उसमें फिक्स करते हैं। और ये चेन से उसको अप एंड डाउन करते हैं, इसमें व्हाइट कलर का है। ये प्रोसीजर एकदम इजी है। रोलर ब्लाइंड्स, रोलर ब्लाइंड्स क्या है? रोलर ब्लाइंड्स एक मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ विंडो ट्रीटमेंट है जो आजकल ज्यादातर यूज किया जाता है। इसके में अलग टाइप का स्टाइल रहता है उसका, उसमें अलग अलग टाइप के, जैसे लॉन्ग एज वेल एज हॉरिजॉन्टल टाइप के लिए वर्टिकल स्लैट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इसमें अलग अलग टाइप्स का टेक्सचर रहता है, कलर रहता है। ये स्लैट्स रहते हैं वो मेनली हार्ड मटेरियल के रहते हैं, जैसे वुड हो गया, पेपर हो गया, प्लास्टिक, मेटल, या फिर नेचुरल और सिंथेटिक फैब्रिक्स का भी रहता है। इसमें रोलर ब्लाइंड्स एक कन्वीनियंट ऑप्शन है जिनको ये वेनिशियन ब्लाइंड्स पसंद नहीं आते, क्योंकि इसमें कैसा वेनिशियन ब्लाइंड्स में वो स्लैट्स रहते हैं, वो रोटेटिंग करना पड़ता है। तो इसकी बदले अगर ये रोलर ब्लाइंड्स आप यूज़ करेंगे तो इसमें आप जस्ट वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, ऐसे वर्टिकल आप रोल अप कर सकते हो, पुल्स डाउन पुल अप कर सकते हो, जैसे विंडो का कवर करना है तो, और इंस्टॉल करने में बहुत ही ईजी है। अभी रोलर ब्लाइंड्स का इस्तेमाल क्यों होता है या फिर रोलर ब्लाइंड्स क्यों यूज़ किए जाते हैं? रोलर ब्लाइंड उसके अट्रैक्टिव और फ्रेश डिज़ाइन की वजह से आजकल एक बहुत ही पॉपुलर चॉइस है।
अरे रोलर बैंड्स बहुत ही वर्सेटाइल है और किसी भी टाइप के एनहांस या फिर किसी भी इंटीरियर को सूट होते हैं। रोलर बैंड्स बहुत ही फंक्शनल, जैसे आपको सनलाइट को कंट्रोल करना है, प्राइवेसी देनी है या फिर गुड इंसुलेशन है, उसके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। फैब्रिक रोलर शेयर्स है एक मोस्ट अफोर्डेबल टाइप का विंडो कवरिंग ऑप्शन है जो बहुत ही विंडोज को बहुत ही एकदम क्लीन लुक देता है। रोलर बैंड उन लोगों के लिए परफेक्ट ऑप्शन है जिन लोगों को विंडो का व्यू अच्छा चाहिए, वो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं चाहिए। तो आप विंडो का जो भी है वो रोल को आप उसको ऊपर करके, विंडो को बिना ऑब्स्ट्रक्शन करके विंडो ओपन करके या फिर आउटसाइड का व्यू देख सकते हो। अभी टाइप्स ऑफ ब्लाइंड्स, इसमें अलग अलग टाइप के फैशन के हिसाब से वहाँ अलग टाइप्स के बहुत सारे से ब्लाइंड्स है जो भी यूज किए जाते हैं और इसमें अलग अलग फीचर्स है थे उनके, जैसे होम ओनर्स या फिर पर्सनल स्टाइल है, हाइजीन है, प्राइवेसी है, लाइटिंग है, हीटिंग रिक्वायरमेंट है तो, और उनको क्लोज करना है, इस हिसाब से ये टाइप्स अलग अलग होते हैं, उनका फंक्शन अलग अलग रहता है। सबसे पहला है वुड ब्लाइंड्स, उसके बाद है फॉक्स वुड ब्लाइंड्स, उसके बाद है वर्टिकल ब्लाइंड्स, उसके बाद है वेनिशियन ब्लाइंड्स, उसके बाद है मिनी ब्लाइंड्स एंड माइक्रो ब्लाइंड्स, उसके बाद है एल्यूजन ब्लाइंड्स, उसके बाद है पैनल ट्रैक ब्लाइंड्स, उसके बाद है रोलर ब्लाइंड्स, उसके बाद है विजन ब्लाइंड्स और लास्ट में है आउटडोर ब्लाइंड्स। तो हम जब ये रोलर बैंड यूज करते हैं तो बहुत लोगों के मन में सवाल आता है कि कर्टन और ब्लाइंड्स में क्या फर्क है या कौन सा बेटर है या फिर हम दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं क्या। तो उसका जवाब है हाँ, आप कर सकते हो और ऐसे करने की वजह से आप एक टाइप का एक फ्लेक्सिबल डेकोरेशन आप देख सकते हो, एज वेल एज आप सनलाइट को ब्लॉक करके और प्राइवेसी कंट्रोल भी कर सकते हो। अब तो उसमें दोनों में डिफरेंस क्या है कि ब्लाइंड्स और कर्टन्स में, अगर वार्म वेदर में ब्लाइंड्स ज्यादातर मतलब ब्लाइंड बीट कर्टन्स इन एनर्जी एफिशिएंसी, मतलब ब्लाइंड ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है तो, लेकिन जब कर्टन स्पेशली जहाँ हैवी वेट टाइटली वोवन है फैब्रिक्स या फिर वेलवेट टाइप का मटेरियल यूज करते हैं तो उस समय आप ये ब्लाइंड से बेटर माना जाता है। ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ब्लाइंड कर्टन के कंपेयर में ज्यादा ड्यूरेबल है क्योंकि ब्लाइंड्स में ज्यादा वुड और अदर मटेरियल्स यूज किए जाते हैं जबकि कर्टन्स में क्लोथ्स कपड़ा यूज किया जाता है। जहाँ मॉइस्चर ज्यादा है फिर वेट एरिया जैसे किचन हो गया, बाथरूम हो गया, तो वहाँ एक कपड़े का कर्टन वेट होने की वजह से वो जल्दी खराब होते हैं, तो वहाँ ब्लाइंड बहुत ही बेटर ऑप्शन है। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हमने देखा कि रोलर ब्लाइंड्स क्या है, उसका पर्पस क्या है और उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, एक प्रैक्टिकल वीडियो भी देखा। आज का वीडियो आपको कैसे लगा आप जरूर कमेंट कीजिए, अगर पहली बार मेरा आप चैनल देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।